हेलो गाइस, कैसे हो? तो यार, आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए पबजी मोबाइल की टॉप 3 न्यू अमेजिंग ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिनको आप अपने गेम में यूज़ करके अपने गेम प्ले को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। तो चलो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन साथ में दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहली ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है और आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लाइक भी कर दोगे। तो गाइस, जो पहली ट्रिक है वो, एक मिनट, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी घर से बाहर निकलते हो या अंदर आते हो किसी भी खिड़की से, तो आप इस तरह से बाहर आते हो, ठीक है? तो आपको करना क्या है गाइस, आपको सुपरमैन कैसे बनना है आप एक बार देख लो, मैं कर क्या रहा हूँ। आप सिंपली जंप वाला बटन प्रेस करके बाहर अंदर आते हो, ठीक है? आपको करना क्या है, ये चीज़ करनी है, ठीक है? समझ में आया कुछ? आपको करना क्या है, एक मिनट आपको मैं फिर बताता हूँ। आपको ये करना है, जो जंप वाला बटन और प्रोन वाला बटन होता है ना, उन दोनों को एक साथ प्रेस करना है और आप हवा में, भाई ये देखो, हवा में आप उड़ने लगोगे और किसी भी विंडो को इजी आप पार कर सकते हो और किसी भी घर के अंदर बाहर जा सकते हो, ठीक है? इससे आपका क्या होगा, टाइम की बचत होगी। और गाइस, अगर कोई सामने एनिमी है तो आप उसको भी ईजी मार दोगे इसके घर के जल्दी से बाहर जाके, ठीक है? गाइस, अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करके भी बंदों को मारते हो ना, तो भाई आपके टीममेट हैरान रह जाएंगे और भाई पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया। तो चलो गाइस, हम अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भाई ट्रिक नंबर 2 थोड़ी सी, मतलब आसान है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस, ट्रिक नंबर 2 क्या है कि आप देखो, इरेंगल मैप में कितने सारे स्क्वाड हाउस हैं। ये ट्रिक हर एक स्क्वाड हाउस में वर्क कर रही है अभी तक, तो उसके बाद अपडेट आया तो उसके बाद तो नहीं पता वर्क करेगी नहीं, लेकिन अभी वर्क कर रही है। तो आपको करना क्या है, आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपको एक चाहिए होगी डासिया और एक चाहिए यूएस, तो आपको दोनों को इस मैनर में खड़ा कर देना है यहाँ पे, और आपको यूएस के अंदर बैठना है ड्राइविंग सीट पर, ठीक है? जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओगे तो आपको करना है एक्सिट, और बूम गाइस, आप देख सकते हो कि एक्सिट करते ही मैं जो इस घर का सेकंड फ्लोर है ऊपर, उसके अंदर का सब कुछ देख सकता हूँ। ये ग्लिच है, पता नहीं ट्रिक है, कुछ भी है, लेकिन वर्क कर रहा है। अगर आप अपने टीममेट को बोलोगे कि भाई, बंदों की मतलब लोकेशन दे दोगे कि भाई यहाँ पे बंदा बैठा है उसको जाके मार दे, तो आप वो आपका टीममेट बिल्कुल आसानी से उसको, क्योंकि लोकेशन पता चल गई होगी बंदों की, तो वो आसानी से बंदों को मार देगा। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। और यार, अगर लास्ट का जोन यहाँ पे बन गया ना, तो आप, अगर यहाँ पे दो बंदे हैं और दो आप बचे हो, तो आप उनको इजी मार दोगे उनकी लोकेशन पता करके, ठीक है? तो गाइस, चलो मैं आपको लास्ट ट्रिक बताता हूँ, जो कि बहुत ही औसम है। इसके, ये भी एक ग्लिच ही है, ग्लिच है कि ट्रिक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्क कर रही है, ठीक है? तो ये भाई वर्क करेगी जितने भी इरेंगल मैप में ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है ना, ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में है, अभी मैं हूँ पुचिंकी में, तो ये हर एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में ट्रिक वर्क कर रही है। आपको पता क्या करना है इसको करने के लिए, भाई आपके पास कोई भी गन होनी चाहिए, शॉट गन, एआर, कुछ भी होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इस लोकेशन पे आना है और अपना जो स्कोप होता है ना, और स्कोप को खोलो, और बूम गाइस, आप देख सकते हो कि मैं इन सीढ़ियों के पीछे से एनिमी पे फायर कर सकता हूँ। अगर आपके ऊपर रश हो रहा है, पूरी की पूरी टीम है भाई, तो आप उनको ना ईजी मार दोगे। आप देख सकते हो कि भाई कितना आसान हो जाएगा यहाँ से मारना। अगर आप इधर से राइट साइड से मारोगे टीपीपी लेके, तो भाई एक को मारोगे, दो को मारोगे, लेकिन भाई तीसरा चौथा बंदा आपको ज़रूर मार देगा। तो करना क्या है भाई, गाइस आपको यहाँ पे आना है इस मैनर पे, और आप देख सकते हैं कि गाइस ये मेरी बुलेट्स हैं वो नीचे आ रही हैं, आप यहाँ से फायर कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं एनिमी से हेड लगाऊंगा, यहाँ से आप बिल्कुल फायर कर सकते हो किसी भी एनिमी पे इजी। तो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर गाइस आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी हेल्पफुल लगी, होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी, तो गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मैं आपको मिलूँगा जल्द ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।